हे गाइस व्हाट इज अप, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग, आ गए एक और न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह और हमने नाश्ता वास्ता भी कर लिया है, नहा भी लिया है हम सभी ने, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक और न्यू जगह जो कि रायपुर में एम्स के जस्ट पास ही में है। ज्यादा दूर नहीं है तो हमको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए वहाँ पे और घुमा दिया जाए जब इतना दूर आए हैं हम लोग रायपुर तक के। तो हम लोग जा रहे हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है वो जगह। यही है एम्स रोड। बहुत लोगों को इस मंदिर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं होगा और किसी को रायपुर में जो होंगे उनको भी जानकारी नहीं है इतना कुछ कि इतना प्राचीन मंदिर रायपुर में है और बहुत पास में है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो चलिए हम आपको उसकी जानकारी देते हैं और बनी रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक के जरूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। यहाँ पे बोर्ड है रायपुर शहर और दुर्ग सब जगह जाने का, एम्स भी यहीं से जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार एम्स भी दिखा देता हूँ। इस वीडियो में मैंने अभी तक के आपको एम्स नहीं दिखाया है। तो देखिए गाइस यहाँ पे है एम्स, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और हम लोग जा रहे हैं एम्स के अंदर से क्योंकि यहाँ से हमको एक बार शॉर्टकट पड़ेगा। आप जाना चाहे तो आप टाटीवन चौक से भी जा सकते हैं आराम से। हमने सोचा आपको एम्स दिखाते हुए चले और यहाँ से आपको शॉर्टकट भी पड़ेगा। अखिल भारतीय अनुसंधान संस्था रायपुर, पहला गेट है आगे और पांच गेट है, टोटल पांच गेट है इस सामने का, छह पीछे एक छह गेट है बट आगे जो है पांच गेट है टोटल। आगे से टोटल एम्स के पांच गेट है आगे से और पीछे में इसका एक और गेट है, गेट नंबर छह। वहीं से हम लोग निकलेंगे अभी। और ये देखिए पूरा एम्स हॉस्पिटल, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। ज्यादातर लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने आते हैं। काफी गाड़ियां खड़ी है पार्किंग में, पता चल रहा है इससे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब गेट नंबर छह पे एम्स के। यहाँ से हम लोग पहुंच चुके हैं बाहर, तो यहाँ से हमने ले लिया राइट। जहाँ हम जा रहे हैं वो सरोना का शिव मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए तो आपको भी वहाँ ले चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अब सरोना के स्टेशन। इस रोड से बहुत ही शॉर्टकट होते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं सरोना, सरोना स्टेशन। यहाँ से फिर हमने ले लिया राइट, शायद तक हमें इस ब्रिज पे चढ़ के जाना है। यह है NH 53 हाईवे। इस रोड से आप दुर्ग भी जा सकते हैं और सामने आपको पड़ेगा टाटीबन चौक। इसी हाईवे से हम लोग अभी तक के बहुत बार जा चुके हैं और आज भी हम लोग इसी हाईवे से जा रहे हैं। ये बहुत ही मेन हाईवे है इसलिए NH 53 है। हम लोग पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा हमको यहाँ से राइट मुड़ना है। यहाँ पे है मंदिर का एंट्रेंस गेट और एक रास्ता भी है, ये शिव मंदिर का रास्ता भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। राइट अंदर ले लो उसी के सामने है ना जो ये खारून नदी भी यहीं से पड़ता है सरोना। तो देखिए गाइस हम लोग यहाँ से मुड़ चुके हैं राइट, नेशनल हाईवे हमने छोड़ दिया है, अब हम यहाँ से लेंगे राइट। देखिए गाइस कितनी पतली रोड है, पगडंडी रोड। आगे से हमें मुड़ना है। इस रोड में एक बार में सिर्फ एक ही कार जा सकती है भाई। सामने से ऑटो आ रहा है, अच्छा हुआ यहाँ पे जगह है, पापा इधर दबा लेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पहुंच तो गए पर शायद यहाँ पे गेट बंद है, ऊपर से रास्ता है क्या देख सकते हैं, अपन जाना हो तो अपन जा सकते हैं। हाँ जा सकते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ है, बहुत बढ़िया यार, अच्छा हुआ हमको यहाँ पे जाने का रास्ता मिल गया। यहाँ पे जो है वो जो आप देख पा रहे वो यहाँ का एंट्रेंस गेट है पर वो जो है उसमें ताला लगा है और यहाँ पे जस्ट ऐसे चढ़ने के बाद छोटी रास्ता है और यहाँ से हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। वाह यार इससे अच्छा एंट्रेंस गेट खोल देते पर यहाँ से हमें अभी जंप मारना पड़ेगा। मम्मी कैसे आएगी, आराम से राइट, जबरदस्त। ये देखो गाइस ये जो दरवाजा है ये तो बंद है, पूरा देख सकते हो आप लॉक है आगे से बाहर से,
पर फिर भी यहाँ पे साइड से रास्ता था, हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी फिशेस और टर्टल्स दिखने वाले हैं, ऐसा मेरे भाई का दावा है। क्योंकि ये बहुत बार आ चुके हैं, ये रायपुर में ही रहते हैं ना, इसलिए मम्मी को उतारने में मुश्किल हो सकता है थोड़ा। मम्मी को हाथ पैर पकड़ के उतारना पड़ेगा। ये देखिए मम्मी आ गई। मम्मी सीधा जंप मार देती ना, कोई दिक्कत नहीं रहता, बस जमीन पे एक छेद हो जाता गोला गिरने का। वाह यार कितना सुंदर पाउंड है। और यहाँ पे अभी हमको बहुत सारी मछली भी दिखने वाली है। अभी यार दिख रहे हैं अभी से साहब भाई, मछली देख रहे उधर। अभी कछुआ उधर जल्दी ला। अभी ये क्या है, इतना बड़ा कछुआ। देखिए दोस्तों कितना बड़ा टर्टल है वो, और वो मूव भी कर रहा है, नकली नहीं असली है। और यहाँ पे मछली भी बहुत सारी है, बड़ी बड़ी। वो बाप रे, वो कितनी बड़ी है। इधर का तालाब तो अलग है, उधर का तालाब में और है। अच्छा और है क्या एक तालाब? वहाँ से भी जा सकते हो, देख रास्ता है। क्या बड़ा कछुआ है, पर देखो ना यार ये तो बहुत ही भयानक कछुआ है, अजीब सा दिख रहा है लेकिन एकदम। यार गाइस ये तो मुंडी भी हिला रहा है, कितना क्यूट है यार ये कछुआ। मत कर, डर रहा है बेचारा, डर क्योंकि यहाँ पकड़ना मना है कुछ भी, तो डरते नहीं है इसलिए सामने आ जाते। देखिए गाइस कितनी बड़ी बड़ी मछली है, उधर भी दिखा। अरे बाप अभी क्या मछली है ये, उधर देख उधर भी, अब उधर देखो इधर। ये क्या मछली है भाई साहब, अरे बाप रे कितनी बड़ी है वो काली वाली तो देख। अरे इधर तो देख, भयानक सारी मछली है गाइस यहाँ तो। अरे भारी पड़ी है देखो ना, क्या करने की कितनी सारी है, बाप रे देखो कितनी बड़ी मछली है गाइस यार, भयानक बड़ी बड़ी है और कलरफुल भी है बहुत। कितने आसानी से खड़े हैं, हाँ कुछ कर ही नहीं कर रहे लोग। वो क्या है, कछुआ वो तो कछुआ है शायद वहाँ पे, लग तो रहा कछुआ ही है, नहीं वो भी बड़ा कछुआ ही है। कैसे मुंह निकालेंगे, सांस ले देंगे, पर कितनी बड़ी बड़ी दीदी खा रही है। वो भी यहाँ पे लंबी सी है, ये तो ये सबसे बड़ी बड़ी लग रही है, झुंड में बड़ी बड़ी मछली। चल बेबी चल रहे नु। देखा गाइस आपने यहाँ पे इस मंदिर को कोई नहीं जानता, और कितना अच्छे तरीके से संभाला गया है इन जानवरों को इस पाउंड में, और बहुत ही सुरक्षित किया गया है, यहाँ पे कोई मछली भी नहीं पकड़ सकता। ये जो मंदिर है ना ये यहाँ से बंद है, हम लोग इधर से नहीं जा सकते, पर बोला जा रहा है कि ऊपर से जैसे हम लोग उधर से आए ना वैसे ही यहाँ पे एक और तालाब है, और हमको जाना पड़ेगा फिर घूम के। तो हम लोग चलते हैं घूम के वापस से। ये जो बाहर जो है ना आगे मैदान है बहुत ही खुला, वहां से हमें सीधा सीधा जाना है, और बस हम लोग पहुंच जाएंगे तालाब के पास, दूसरे तालाब के पास। फिर हम वहीं से ऐसे जैसे उतर के आए वैसे ही हमें उतरना पड़ेगा। अब हमें वापस यहीं से चढ़ के जाना पड़ेगा, फिर अपन चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का सुंदर व्यू दूसरे तालाब का। क्या था कि मंदिर का रास्ता बंद था, तो हमने सोचा क्यों ना चलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पीछे आप बड़ा मैदान देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है शिवरात्रि में बहुत ही बड़ा और विशाल मेला लगता है, विशाल का है, और पूरा बड़े ग्राउंड में यहाँ पे मेले का महोत्सव रहता है। और यहाँ पे देखिए ये है जर्सी गाय, बहुत सारी गौ माता है यहाँ पे। और चलो अब हम लोग चलते हैं, अब घर भी जाना है हमको जल्दी से, खाना पीना खा के अपन निकलेंगे घर। और मैदान तो आपने देख लिया, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे, गूगल मैप्स में भी यहाँ पे लोकेशन दे देगा। मैं आपको वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन डाल दूंगा आपको, आप जाके देख सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर अपने, वापस दुर्ग लौट रहे हैं, और सभी को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। बाय ब्रो, तो चलते हैं अपन निकलते हैं, फिर आऊंगा फिर कभी मिलेंगे, ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे जब घूमने जाएंगे, तब तो इसको भी ले जाएंगे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, चलते हैं अपने घर, बहुत दिनों बाद याद आ रही है अपने घर की। कितना दिन हो गया पापा वैसे हमको? 4 दिन हो गया, 4 दिन से हम लोग यहीं पे हैं और बहुत घूम रहे हैं, मजा आ गया है। बाय मौसी, मौसी बाय, सभी को बाय बाय। चलो बैठ जाओ, अब चलते हैं अपन। अभी तो सबसे ज्यादा रिस्क हमारा टाटी बन पे है, बहुत भीड़ रहने वाला है, क्योंकि बहुत भीड़ रहेगा टाटी बन में। हाँ बस ही आएंगे। तो अब अपन पहुंच चुके हैं टाटी बन, और देखिए यहाँ पे ब्रिज का काम अभी भी चालू है।
तो 3 साल से बन रहा है ये ब्रिज करीब। ऊपर यहाँ पे लिए लग चुका है यार, थोड़ा बहुत बन चुका है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्रिज बनने में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमें आपके प्यार की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is all